नमस्कार, मेरा नाम है अपने प्रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बरेली में हवाई सफर के बाद अब लीजिए मेट्रो का मजा। यूपी की स्मार्ट सिटी बरेली में हवाई जहाज के बाद मेट्रो के सफर को जमीन पर लाने की कोशिशें आज से शुरू हो गई। कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने मेट्रो लाइट परियोजना की AAR और DPR तैयार करने के लिए अफसरों के साथ में कमिश्नरी सभागार में मीटिंग करी। कंसल्टेंट एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने कंप्रेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP के डाटा के आधार पर तैयार कॉरिडोर के निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित विभागों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और UMTC के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। राइट्स लिमिटेड ने मेट्रो लाइट परियोजना के प्रथम चरण में CMP डाटा के आधार पर 2 कॉरिडोर प्रस्तावित कर रहे हैं। पहला रेलवे जंक्शन से चौकी चौराहा वाया सैटेलाइट बस स्टैंड से बैरियर 2 तिराहा और दूसरा चौकी चौराहा से कुतुबखाना चौराहा वाया डेला पीर तिराहा आईविराई से बैरियर 2 तिराहा तक। पहला कॉरिडोर 12 किलोमीटर तो दूसरा 9.5 किलोमीटर लंबा होगा। पहला कॉरिडोर ऊपर तो दूसरा अंडरग्राउंड होगा, क्योंकि पटेल चौक पर स्काईवॉक और कुतुबखाना पर महादेव सेतु बन चुका है। दोनों कॉरिडोर पर अफसरों ने अपनी प्राथमिक तौर पर सहमति जाहिर कर दी है। कमिश्नर ने कहा कि इन दोनों कॉरिडोर के लिए विभागों से अनापत्ति भी ले ली जाए। इन दोनों कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए होगी। इसकी DPR शासन में अक्टूबर 2024 तक सबमिट कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में एक कॉरिडोर चौकी चौराहा से रामपुर रोड पर CB गंज तक तो दूसरा रेलवे जंक्शन से बदायूं रोड पर साउथ सिटी मोड़ तक भविष्य में बनाना प्रस्तावित है। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी, सचिव BDA योगेंद्र कुमार, SP ट्रैफिक शिवराज सिंह, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ARM रोडवेज इत्यादि मौजूद रहे। फ्यूचर यूनिवर्सिटी को कैबिनेट से मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें यूपी सरकार ने बरेली के हजारों छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को निजी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। इसमें करीब 15,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। यह संस्थान 2009 से शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन मुकेश गुप्ता ने कहा कि आज पूरे फ्यूचर ग्रुप परिवार के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारी समर्पित और दृढ़ टीम ने हमारे छात्रों के भविष्य को आकार देने के लिए लगातार काम किया है, जिन्हें कई प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है। यह विश्वविद्यालय अपने मिशन और विजन को सशक्त बनाते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि अब बरेली में 4 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। इनमें MJPRU सरकारी तो इन्वर्टीज, बरेली इंटरनेशनल और फ्यूचर निजी यूनिवर्सिटी हैं। BDA का मास्टर प्लान लागू, ये काम नहीं किया तो पड़ेगा पछताना। अगर आपका भी मकान या कोई बिल्डिंग यूपी के जिला बरेली में मेन रोड पर है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे इग्नोर करना आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण यानी BDA ने बीती 17 मार्च को मास्टर प्लान 2031 लागू कर दिया है। इसमें 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी रोड पर लैंड यूज में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इन रोड पर लैंड यूज रेजिडेंशियल यानी आवासीय था, जिसे अब बदल कर कमर्शियल कर दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों की कोई बिल्डिंग या मकान इन रोडों पर बना है, उन्हें BDA से मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अपना नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए आप निर्धारित शुल्क देकर नक्शे के लिए आवेदन कर सकते हैं। BDA VC मणिकंदन A का कहना है कि नक्शा पास नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। BDA की ओर से मास्टर प्लान 2031 में जिन रोडों का लैंड यूज बदला गया है, उनमें पीलीभीत बाईपास रोड, नैनीताल रोड, शाहजहांपुर रोड, बदायूं रोड, स्टेडियम रोड, कोहाड़ा पीर से डमरू चौराहा, चौकी चौराहा से बड़ा डाकघर, चौकी चौराहा से चौपला चौराहा आदि शामिल हैं। इन रोड पर बने शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और बारात घरों को मास्टर प्लान के अनुरूप नक्शा पास कराना होगा, वरना उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी छात्रसभा ने उठाई मांग, CBI करे नीट रिजल्ट की जांच। समाजवादी छात्रसभा के जिलाध्यक्ष अवनीश मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नीट रिजल्ट में धांधली की आशंका पर प्रदर्शन करा। साथ ही DM की मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। छात्रों का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, इसमें धांधली की गई है। उन्होंने CBI से इसकी जाँच कराने की मांग करी है। पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल ऑफिस का उद्घाटन। पंजाब एंड सिंध बैंक के सुरेश शर्मा नगर के पास बने नए जोनल ऑफिस का दिल्ली से आए MD स्वरूप कुमार सेन ने फीता काटकर उद्घाटन करा। इस दौरान उन्होंने बताया कि PSB बैंक में आने वाले ग्राहकों को नई नई बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। बरेली जोन में बैंक का
4,200 करोड़ रुपए का बिजनेस है। इसमें यूपी और उत्तराखंड की ब्रांचेस शामिल हैं। 69 में से 53 ब्रांच यूपी में तो 16 उत्तराखंड में आती हैं। आगे 7 और नई ब्रांचें बरेली में खोली जाएंगी। बसपा नेता तौफीक पंखिया पर हमले और फायरिंग का आरोप। बारादरी क्षेत्र में पशुपति विहार कॉलोनी में बीती देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए। कॉलोनी निवासी मोहम्मद फारूक का आरोप है कि वह तौफीक के साथ पहले बसपा में थे, बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली। इस पर तौफीक उससे रंजिश मानने लगे। सोमवार देर रात तौफीक ने साथी चांद कुरैशी व अन्य के साथ उनके घर पर लाठी डंडों और चाकू से हमला बोल दिया। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी करी। इस दौरान मोहम्मद फारूक, इसरार और शंभू घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ थर्ड अनीता चौहान ने बताया कि पड़ोसियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के कुछ लोग मामूली घायल हुए हैं। फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। दबंगों ने तमंचा लहराते हुए सरेरा कार सवार युवक को पीटा। बारादरी थाना क्षेत्र में रुहेलखंड पुलिस चौकी के पास बाइक सवार दबंगों ने तमंचा लहराते हुए कार से जा रहे युवक को सरेरा जमकर पीट दिया। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चौकी से चंद कदम की दूरी पर वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। एसएसपी से की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। नवाबगंज थाना क्षेत्र में बीती 13 मार्च को बिहार के कटिहार में रहने वाला सोनू बहाने से बाइक पर बैठाकर मासूम बच्ची को कन्ने के खेत में ले गया था, जहां उससे दुष्कर्म किया था, फिर अधमरी हालत में उसे छोड़कर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने मेडिकल के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी को 10 दिन तक थाने में रखने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। सोमवार को पीड़िता दादी और समाजसेवी महिलाओं के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करी। नकली शहद की बिक्री से मधुमक्खी पालक भुखमरी के कगार पर। मधुमक्खी पालकों की संस्था मधुक्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम की मार्फत सीएम को ज्ञापन भेजा। इसमें बताया कि मिलावटी शहद की बिक्री से मधुमक्खी पालक भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने नकली शहद बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग करी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।